सबसे पहले तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपने YouTube कब ज्वाइन किया था, कितना टाइम आपको हो गया आपने YouTube ज्वाइन किया था, और आपके कितने सब्सक्राइबर्स और कितना वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है। कमेंट करके जरूर बताना, वेट कर रहा हूं, कुछ नया करता हूं आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं यूट्यूबर्स की 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स के बारे में। जब आप यूट्यूब पर चैनल क्रिएट कर लेते हो, कुछ पर्सन 50 से 60 वीडियोस अपलोड करने के बाद हार मान जाते हैं, वीडियोस अपलोड करना बंद कर देते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि मैं अपना चैनल ग्रो नहीं कर सकता, मैंने 50 वीडियोस बना दिए। और कुछ पर्सन बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर देते हैं बट उनका चैनल फिर भी ग्रो नहीं करता। तो इस वीडियो में मैं आपको जो 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, उनको जानने के बाद, उनको सुधारने के बाद आपका चैनल ग्रो हो सकता है, अगर आप सुधार लोगे, ठीक है। और अगर ऐसे ही चलते रहोगे तो आपका चैनल आगे जाकर कहीं ना कहीं डाउन हो ही जाएगा। तो बने रहो वीडियो में एंड तक, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको चैनल कॉन्टेंट मिलता है। फर्स्ट मिस्टेक, आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, शूट, एडिट, अपलोड सब कुछ कर रहा हूँ बट मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, और आपको ऐसा लगता है कि और सब क्या आ रहे हैं। तो मेरी बात सुनो, आप लोगों के जब व्यूज़ नहीं आते, आप लोग 20 से 25 वीडियोस बना चुके, ठीक है, अच्छे तरीके से बना चुके, सब कुछ आपने सही किया है, बट आपके फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे, आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो इसीलिए आपके व्यूज़ नहीं आ रहे। तो आप में से कुछ पर्सन कंटेंट अच्छा बना रहे हैं और आगे जाकर जब उनको 20 से 25 वीडियोस बनाने के बाद, 50 वीडियोस बनाने के बाद व्यूज नहीं मिलते तो कांड करने शुरू कर देते हैं। क्या कांड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ पर्सन बड़े क्रिएटर का वीडियोस उठाते हैं और अपने चैनल पर पोस्ट करना शुरू कर देते हैं सिर्फ व्यूज के चक्कर में, किसी को एक्सपोज कर देते हैं, किसी का रोस्ट करने लग जाते हैं, मतलब टेक चैनल स्टार्ट कर रहे हैं कुछ और कांड कर रहे हैं, या फिर कोई और कैटेगरी का चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और आगे जाकर कुछ और कांड कर रहे हैं। और कुछ पर्सन क्या करते हैं, अपने चैनल पर व्यूज के चक्कर में स्टेटस अपलोड करना शुरू कर देते हैं, 30-30 सेकेंड का वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हैं कि मेरे चैनल पर अब व्यूज आ जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं स्टेटस अपलोड करके या किसी और का वीडियो अपलोड करके अपने चैनल पर व्यूज लेकर आ जाऊंगा और उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो जाएंगे, मान लेते हैं आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाएंगे, आपके चैनल पर व्यूज भी आ जाएंगे, लेकिन उन व्यूज का कोई भी फायदा नहीं है बिकॉज आप दूसरे के कॉन्टेंट से व्यूज लेकर आ रहे हो। तो ये मिस्टेक भूल कर भी मत करना, जिस कैटेगरी का आपका चैनल है उसी पर रेगुलर वीडियोस बनाओ, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, एक ना एक दिन आपको व्यूज मिल ही जाएंगे। ये मिस्टेक भूल कर भी मत करना, मैंने भी बहुत कांड किए हैं। आप लोग ये मत सोचा करो कि मेरे व्यूज नहीं आ रहे, भाई औरों को भी तो देखो, वो लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहो, व्यूज आएंगे, 101% आएंगे अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे। सेकेंड मिस्टेक जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, आजकल आप लोग नोटिस कर रहे होंगे और काफी पर्सन तो कॉमेंट्स भी करते हैं, इंस्टाग्राम पर मेंशन भी करते हैं, और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, मैं इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं कर पाता, तो आप लोग मेंशन करके पूछ सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करता हूँ। तो काफ़ी पर्सन मेंशन करके भी पूछ रहे थे कि भाई आपके चैनल पर व्यूज़ डाउन क्यों जा रहे हैं। सेकेंड मिस्टेक में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक किया था जिसकी वजह से मेरे आज व्यूज़ डाउन हो गए। सब्सक्राइबर्स आप लोग देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग व्यूज डाउन जा रहे हैं, और कोई कोई टॉपिक मैं ऐसा बना देता हूँ उस पर व्यूज आ जाते हैं, लेकिन मैं व्यूज के चक्कर में वीडियोस नहीं बनाता, ठीक है। मैंने काफ़ी टाइम पहले ही बताया था, अगर मैं आज भी कोई क्लिकबेट सा थंबनेल बना दूं और एकदम व्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि कम बंदे देखें लेकिन सीखने के लिए मिले। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो मैं मोबाइल फ़ोन के रिव्यू करता था, एप्लीकेशन के बारे में बताता था। तो जब मेरा चैनल ग्रो हुआ, टिकटॉक का कैटेगरी था, मैं टिकटॉक से रिलेटेड वीडियोस बनाता था, तो मेरा चैनल बहुत स्पीड से ग्रो किया, बहुत अच्छे व्यूज आए और सबके सब टिकटॉक वाले सब्सक्राइबर्स मेरे पास आ गए। बीच बीच में मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता था लेकिन उस पे व्यूज नहीं आते थे, ज़्यादा व्यूज नहीं आते थे। तो अब टिकटॉक जब बैन हुआ तो मैं यूट्यूब कैटेगरी में आया तो मेरे व्यूज डाउन हो गए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखो मैं कैटेगरी चेंज किया हूँ,
अगर आप लोग किसी और कैटेगरी पे वीडियोस बना रहे हो, ठीक है, सपोज दैट आपका कोई और कैटेगरी है, मोबाइल के रिव्यू करते हो, एप्लीकेशन के रिव्यू करते हो, और उसके तुरंत बाद आप कैटेगरी चेंज कर देते हो, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस बनाने लग जाते हो या फिर किसी और कैटेगरी में चले जाते हो, कहने का मतलब ये है कि आप अगेन एंड अगेन अपना कैटेगरी चेंज मत करो। अगर आप पबजी से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हो तो फ्री फायर बीच में मत लाओ, ठीक है। अगर आप फ्री फायर लेकर जाओगे तो आपके सब्सक्राइबर्स मिक्स हो जाएंगे, समझ रहे हो ना, फ्री फायर वाले भी आ जाएंगे सब्सक्राइबर्स और पबजी वाले भी आ जाएंगे। तो जब आप पबजी का लाइव स्ट्रीम करोगे, पबजी से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करोगे तो आपके व्यूज कम आएंगे, समझ रहे हो ना। एक कैटेगरी पे कंसिस्टेंसी बनाए रखो, समझ रहे हो ना। ये एग्जांपल मैंने आपको अच्छा दे दिया, पबजी और फ्री फायर वाला। तो अगर आपके एक कैटेगरी के सब्सक्राइबर्स होंगे तो आप जब वीडियो अपलोड करोगे आपके सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग व्यूज आ जाएंगे। और मैंने यही कांड किया, अगेन एंड अगेन कैटेगरी चेंज किया, मिक्स कंटेंट बनाया, इसलिए आज व्यूज थोड़े डाउन आ रहे हैं। बट आप लोगों का प्यार है यार, कमाल है। और जब आपका फेस वैल्यू बन जाता है उसके बाद व्यूज डाउन भी आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम चल ही जाता है। थर्ड, इनवैलिड एक्टिविटी। काफी पर्सन अपने चैनल को स्टार्टिंग में ही डाउन कर लेते हैं, स्टार्टिंग से ही बेकार कर लेते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के इम्प्रेशन खुद ही कम कर लेते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कुछ पर्सन यूट्यूब पर जब वीडियो अपलोड करते हैं उससे पहले ही अनलिस्टेड वीडियो अपलोड कर दिया, उसका लिंक शेयर किया अपने किसी और स्मार्टफोन में और अपने वीडियो को लाइक कर लिया, जिससे कि ऑलरेडी एक लाइक आपकी वीडियो पर आ गया, या फिर उसको पब्लिक करने के बाद अपनी वीडियो पर क्लिक किया, पहले खुद से ही लाइक कर लिया। चलो भाई, आपने खुद से लाइक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लिंक कॉपी किया, अपने फ्रेंड के मोबाइल में लेके चले गए, अपने फ्रेंड के मोबाइल में उस वीडियो को ओपन किया, सिर्फ एक लाइक बढ़ा लिया और कमेंट कर दिया। आप लोग ये नहीं सोचते कि मेरी वीडियो का वॉच टाइम खराब हो रहा है। अगर आप अपने फ्रेंड के मोबाइल में अपना वीडियो चला रहे हो, लाइक आपने कर लिया, तो उस वीडियो को एंड तक देखो। अगर आप उस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो आपका ऑडियंस रिटेंशन बेकार हो जाएगा। और जब आपकी वीडियो पर 50% भी ऑडियंस रिटेंशन नहीं आएगा तो आपके जो इम्प्रेशंस हैं वो डाउन होने शुरू हो जाएंगे, यूट्यूब आपकी वीडियो को आगे कम भेजना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप अपने किसी भी रिलेटिव्स के पास अपना वीडियो सेंड करते हैं तो प्लीज़ उसको बोल दिया करो कि भाई एंड तक देखना, या फिर मत करो, टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन अच्छे से लगाओ, लोग आपका वीडियो एंड तक खुद देखेंगे, जिसको ज़रूरत होगी वो आपका वीडियो खुद देखेगा। ज़बरदस्ती अपना वीडियो किसी को मत दिखाओ व्यूज़ और लाइक के चक्कर में, समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। आप में से काफ़ी पर्सन ये मिस्टेक ज़रूर करते हैं, लिंक किसी भी फ्रेंड के पास शेयर किया, वीडियो को लाइक कर दिया और वीडियो को बैक कर दिया, आपका ऑडियंस रिटेंशन खराब होते ही आपके पूरे चैनल पे फ़र्क पड़ता है। जब आप सभी वीडियोस के साथ ऐसा करोगे तो आपके इम्प्रेशंस डाउन हो जाएंगे, आपके वीडियोस के इम्प्रेशंस जब डाउन हो जाएंगे तो आपके व्यूज़ कहाँ से आएंगे मेरे भाई। तो ये गलती भूल कर भी मत करना, अगर आपने ऑलरेडी कर दिया तो आगे से मत करना, बस याद रखना। और अपनी वीडियोस पर खुद से क्लिक मत करो, अगर आप खुद ही अपनी वीडियो पर क्लिक करते रहोगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ जाएगा कि इनवैलिड एक्टिविटी कर रहा है। अगर आप कमेंट पिन करना चाहते हो अपनी वीडियो में तो क्लिक कर दो, उसके बाद कमेंट पिन कर दो, लेकिन बार बार क्लिक मत करो। कमेंट्स रीड करने तो यार YouTube एप्लीकेशन, YouTube स्टूडियो का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ से सब कुछ करो, लेकिन बार बार अपनी वीडियो पर क्लिक मत करो, उससे इनवैलिड एक्टिविटी होता है, समझ रहे हो ना। अगर आप भी ये मिस्टेक्स कर रहे थे तो अब मत करना, अदरवाइज आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। और ये मिस्टेक्स करना छोड़ दो, आपका चैनल ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और YouTube पर ये 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला वीडियो भी जरूर देख लेना, इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।